One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. और यहाँ उपस्थित सभी नागरिक समुदाय सभी लोग आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई हार्दिक शुभकामना। मेरे मन में ये सवाल आया था कि हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, आप लोग बताएं। देश आजाद हुआ था और शहीदों को याद करने के लिए और कोई एग्जाम नहीं आया, इसलिए आप बोल सकते हो और कोई पीछे कोई भी आजादी का जज्बा बना रहे और कभी ऐसी स्थिति में आए तो बिल्कुल ठीक है। देख पर और बताओ, आप जन्मदिन मनाते हो घर पे, आप लोग किसी का भी अपना भी बर्थडे मनाते हो, उसमें और इसमें क्या फर्क महसूस करते हो? सिर्फ इतना कि जब हम अपने परिवार में किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो हमें लगता है कि वो हमारा ऊर्जा पूरे जोश और खरगोश और जितना भी हमसे हो सकता है उन सबके साथ हम उस चीज को मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस ये हमें लगता है कि ये हमारा कार्यक्रम नहीं है, ये सरकारी कार्यक्रम है, बस इतने से का अंतर है। स्वतंत्रता दिवस भी जन्मदिन है, हमारी स्वतंत्रता का जन्मदिन है, हमारे स्वतंत्र भारत का जन्मदिन है। जिस तरह से हम अपने स्वयं का या अपने पारिवारिक सदस्यों का इष्ट मित्रों का जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरह से हमें अपने देश के स्वतंत्रता के जन्मदिन को भी मनाना चाहिए और मनाते भी हैं। स्वतंत्रता का इतिहास आपके सामने इन लोगों ने रख दिया, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको मैं नहीं दोहराना चाहता। मैं सिर्फ एक तथ्य पे ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, वो ये कि हम स्वतंत्र थे तो हमारी स्वतंत्रता कैसे खत्म हो गई? अंग्रेज आए, अंग्रेजों में क्या ऐसा था कि उन्होंने हमें गुलाम बना दिया? क्या वो हमसे ज्यादा ताकतवर थे? क्या वो हमसे ज्यादा पैसे वाले थे? या फिर विज्ञान और तकनीक जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके क्षेत्र में हम आज पीछे हैं, क्या वो उस जमाने में हमसे आगे थे? आपको पता हो या नहीं, वो मुझे नहीं पता, वास्को डी गामा पहली बार जब भारत आया था तो केप ऑफ गुड होप के आगे उनको रास्ता नहीं सूझ रहा था, समुद्री हवाएं तेज थी और तब उनको ये परेशानी पैदा हुई कि वो भारत कैसे पहुंचेंगे। उस समय गुजरात के एक व्यापारी, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, संभवतः कृष्णा